सर्वप्रथम सभी आपके दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली में इस बार भी आप थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि कोरोना गया है लेकिन पूरा गया नहीं है। तो कोरोना को ध्यान में रखते हुए ही पहली बात है कि आपको होली खेलना है। तो अब जब कोरोना पर ध्यान दीजिएगा तो एक तो मास्क लगाना है, और रंग जितना भी करीब लोग आता है उसको कम से कम अवॉइड करते हैं, ये तो प्रमुख बात। आज भी कोरोना से हम लड़ रहे हैं, जीत के बिल्कुल करीब हैं, लेकिन पूरा जीते नहीं हैं। इस बात को हर कोई ध्यान में रखे, जरा सी असावधानी फिर विकराल रूप लेने में मदद कर सकती है, इसीलिए सावधान होकर होली खेले। अब जब जान बची तब होली के रंग से एक दो तो जो प्रॉब्लम होता है वो तो होता ही है, लेकिन सबसे पहले कोरोना से भी बचना। अब आइए आपकी बात। तो आपने पूछा कि रंग लगाने से प्रॉब्लम होता है, तो एक होता है एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शन होता है कि जिस आदमी को पहले से कोई एलर्जी है, सांस में प्रॉब्लम है, ब्रोंकियल अस्थमा है, एलर्जी किसी टाइप का एलर्जी है, उसको तो कलर से बचना चाहिए। दूसरा कि जिस आदमी को किसी टाइप का भी एलर्जी नहीं है, होली में जिस तरीके के कलर्स इस्तेमाल होते हैं, सिंथेटिक कलर्स, हो सकता है कि पहली बार किसी को एलर्जी हो, इसलिए सावधानी से खेलना है। सिंथेटिक कलरों से नहीं खेलना है, हर्बल कलर जो बोलते हैं अगर अवेलेबल हो तो उसी से ज़्यादातर खेलने की कोशिश करिए। और दूर दूर का रहकर होली, ये एक बड़ा विचित्र बात है, होली तो नज़दीक लाने का त्यौहार है, लेकिन कोरोना माई की कृपा है कि थोड़ा सा तो बचाई है जान, तो जान बची तो लाखों पाए और हर वर्ष होली मनाए। तो होली मनाने में ज़्यादा आतुरता मत दिखाइए। अगर कोई मान ले कि मिलावटी रंग लगा दिया उसके, अगर देखिए कोई भी चीज़ लगाते साथ यदि आपको खुजली होना शुरू हो गया, इरिटेशन होना शुरू हुआ, जलन होना शुरू हुआ, आँख से पानी आना शुरू हुआ, पूरे शरीर में चकता चकता उठना शुरू हो गया, तो सोचिए उस कलर से रिएक्शन।